वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में और बेबी डॉज कॉइन के क्या कुछ प्राइस एक्शन चल रहे हैं वो भी बात करेंगे, क्या कुछ पिछले कुछ टाइम में हुआ है। और सबसे जरूरी बात जो आज बेबी डॉज कॉइन को लेके करने वाले हैं वो यहाँ पे है नेक्स्ट बुल सीजन के बारे में। जी हाँ, नेक्स्ट बुल रन जब भी आएगा, आना तो है ही, ठीक है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, अगले साल भी आ सकता है, इस साल भी आ सकता है, लेकिन आना तो है, लेकिन तैयारी भी करनी पड़ेगी। और बेबी डॉज कॉइन के क्या कुछ एक्शन रह सकते हैं नेक्स्ट बुल सीजन के अंदर, नेक्स्ट बुल रन के अंदर। क्या बेबी डॉज कॉइन 0.4x01 का जो प्राइस है वो टच कर सकता है? मींस अभी जो प्राइस में 80 आ रही है वहां से 40 किल करके 40 रह जाना प्राइस में एक बहुत बड़ी बात होती है, 40 किल करना। क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है बेबी डॉज कॉइन के साथ नेक्स्ट बुल रन में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करंट परफॉर्मेंस बेबी डॉज कॉइन का क्या कुछ चल रहा है। बेबी डॉज कॉइन के प्राइस की बात करें तो 0.8x0 प्राइस चल रहा है, ठीक है, मतलब 80 आ रही है बेबी डॉज कॉइन की। और अगर हम इंडियन रुपीज की बात करें तो 70 इसकी इंडियन रुपीज में आ रही है, तो जीरो की कमी नहीं है बेबी डॉज कॉइन के प्राइस में। और बेबी डॉज कॉइन को ना एक लोग इस नज़र से भी देखते हैं कि शिबा इनू मिस हो गया। जब शिबा इनू आया था पता ही नहीं था बहुत सारे लोगों को, जब शिबा इनू ने अपनी पावर दिखाई मार्केट के अंदर अक्टूबर में, फिर से पावर दिखाई, तब लोगों को पता चला। और तब तक तो शिबा इनू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका था। एक कहते हैं ना, एक स्टार्टिंग में ही किसी कॉइन में एंट्री ले लेना वो एक बड़ी बात होती है, ठीक है। तो एक बेबी डॉज कॉइन को इस नज़र से भी देखते हैं लोग कि ये नेक्स्ट शिबा इनू बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट शिबा इनू बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि शिबा इनू की प्राइस में बहुत जीरो आ रही थी जब ये लॉन्च हुआ था, तो शिबा इनू ने भी काफी जीरो किल किए हैं काफी कम टाइम के अंदर। तो नेक्स्ट बुल सीजन, क्योंकि बेबी डॉज कॉइन को एक साल हुआ है मार्केट के अंदर, पिछला बुल सीजन चल रहा था, बुल सीजन का टाइम चल रहा था तब बेबी डॉज कॉइन मार्केट में आया था। और इस साल जनवरी की स्टार्टिंग में क्या ही पंप दिखाए थे बेबी डॉज कॉइन, मतलब काफ़ी अच्छा जनवरी मंथ जो स्टार्टिंग हुई थी जैसे ही नए साल की, तो बेबी डॉज कॉइन ने अपनी पावर दिखाई थी। और 3 से 4 लाख होल्डर बेबी डॉज कॉइन में, 3 से 4 लाख होल्डर जनवरी से लेके अब तक आ चुके हैं बेबी डॉज कॉइन में, ठीक है। तो पिछले 6 महीने में 3 या 4 लाख होल्डर भी गेन कर चुके हैं और 15,91,000 इसके होल्डर हो चुके हैं, 15,91,000 होल्डर 16 लाख की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा कॉइन एक साल पहले आया और इलॉन मस्क के एक ट्वीट से काफ़ी ज़्यादा इसको रिस्पांस मिला, 16 लाख लोगों ने इसको खरीद लिया। इसको खरीदने का सिर्फ एक यही रीज़न है कि बेबी डॉज कॉइन को लोग जो है अगला शिबा इनू समझ रहे हैं, अगले शिबा इनू बनने की जो नज़र है ना उससे देख रहे हैं। क्या अगला शिबा इनू बन सकता है? क्या 40 अगले बुल सीजन में, बुल रन के अंदर शिबा जो बेबी डॉज कॉइन है वो किल कर सकता है या नहीं कर सकता, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने ऑल टाइम हाई से 80% नीचे है बेबी डॉज कॉइन का प्राइस, 80% डाउन है, 80% डाउन है। जनवरी 17 जनवरी को इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था इसी साल की स्टार्टिंग में, ठीक है। 15,90,000 होल्डर हैं, 91,000। और अगर आप देखेंगे शिबा इनू के प्राइस में 40 इस टाइम पे आ रही हैं, काफ़ी जीरो गिल कर चुका है वो 1.5 साल के अंदर जब से लॉन्च हुआ है, 2 साल उसको हो जाएंगे अगस्त के अंदर, ठीक है। लेकिन अक्टूबर में ही काफ़ी, अक्टूबर के ऑल टाइम हाई तक भी काफ़ी जीरो गिल कर चुका था शिबा इनू। और अगर हम यहाँ पे बात करें बेबी डॉज कॉइन की, बेबी डॉज कॉइन की 40 किल हो सकती है नेक्स्ट बुल रन के अंदर। 0.8x0 वाला कॉइन 0.4x01 वाला प्राइस भी आपको दिखा सकता है। बहुत सारे रीज़न है बेबी डॉज कॉइन के बढ़ने के। सबसे बड़ा रीज़न है बेबी डॉज कॉइन को यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया हुआ है, ये कॉइन एक पॉपुलर कॉइन बन चुका है इस टाइम पे, ठीक है। और जब बुल मार्केट आएगा तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आने के चांसेस हैं बेबी डॉज कॉइन में, ठीक है। क्योंकि बुल मार्केट में जितने ये ऐसे कॉइन्स होते हैं ना, मीम कॉइन है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं कह रहा कि बेबी डॉज कॉइन भी मीम कॉइन है, शिबा इनू भी मीम कॉइन था, स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा बड़े यूज केस भी नहीं थे, यूटिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन बेबी डॉज कॉइन भी वैसा ही है और नेक्स्ट बुल सीजन के अंदर अच्छी जीरो किल कर सकता है, ठीक है। 2 जीरो भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, और हो सकता है 4-4 पूरी किल कर दे। और सबसे बड़ा रीज़न, जब बुल मार्केट में एक अच्छा बुल रन बेबी डॉज कॉइन में प्राइस में देखने को मिलेगा तो बाइनेंस लिस्टिंग भी हो सकती है, जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस की लिस्टिंग बाकी है वो भी हो सकती है बेबी डॉज कॉइन की। अगर वो होगी तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा बेबी डॉज कॉइन से नेक्स्ट बुल रन के अंदर।
बेबी डोज कॉइन का प्राइस अब देखो 8.0 लेके बैठा है, ठीक है। ये एक मौका भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि बेबी डोज कॉइन को होल्ड किया जाए इस टाइम पे। तो ये एक मौका है, सिर्फ और सिर्फ एक मौका है, और बहुत सारे लोग यहीं पे मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं 8.0 वाला कॉइन लेके। इसलिए 16 लाख लोगों ने ले रखा है, 16 लाख लोगों ने बेबी डोज कॉइन को खरीद रखा है। तो सिर्फ एक रीज़न है, प्राइस में 8.0 आ रही हैं और नेक्स्ट शिबा इनू बनने की जो राह पे जो है बेबी डोज कॉइन भी चल रहा है। डोज कॉइन अभी भी मैक्सी ग्लोबल के ऊपर, हुआबी ग्लोबल, बिट गेट, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे गेट आयो, काफ़ी अच्छी अच्छी एक्सचेंजेस हैं, टॉप की एक्सचेंजेस पे भी हैं जो बेबी डोज कॉइन अभी लिस्ट है। लेकिन बहुत सारी एक्सचेंजेस अभी बाकी हैं बेबी डोज कॉइन की लिस्टिंग के लिए। तो आने वाला फ्यूचर बेबी डोज कॉइन के लिए काफ़ी ब्राइट है, और एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि बेबी डोज कॉइन में 8.0 आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट बुल रन के अंदर बेबी डोज कॉइन के साथ क्या हो सकता है, कितने परसेंट का ये रिटर्न दे सकता है, 10,000, 20,000 या फिर उससे भी ज़्यादा के रिटर्न्स हमको दे सकता है? क्योंकि जितना बड़ा नंबर होगा, अब बुल मार्केट पे आप ये डाउट मत रखिएगा कि इतना रिटर्न बुल मार्केट के अंदर देगा या नहीं देगा। जितना मार्केट को आप देख के शॉक होते हो ना, बियर मार्केट में इतना मार्केट नीचे आ गया, मतलब बिटकॉइन 69 पे था, अभी 20 पे आ चुका है। जितना मार्केट आपको शॉक करता है ना, जब बियर मार्केट के अंदर जब आप देखते हो प्राइस इतने नीचे आ गए, उससे कहीं ज़्यादा आपको शॉक करता है बुल रन के अंदर कि प्राइस इतने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं बुल रन में, ठीक है। तो बुल रन को भी आप कम मत समझिएगा, बुल रन की पावर कहीं ज़्यादा है। जितना बियर मार्केट हम देख रहे हैं, जितना लंबा होता है होने दो, नो प्रॉब्लम, जितना बियर मार्केट की साइकिल चलनी है चलने दो, उसके बाद बुलरन का टाइम भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी बड़ा होने वाला है। और आपके क्या व्यूज़ हैं कि बेबी डोज कॉइन किस प्राइस लेवल को हिट कर सकता है, क्या टारगेट रह सकते हैं नेक्स्ट बुलरन के अंदर, क्या बड़े रिटर्न दे सकता है, क्या 4.0 किल कर सकता है अगले बुलरन के अंदर, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे जहाँ तक देखें, हमें जहाँ तक चांसेज हैं, बिल्कुल कर सकता है 4.0 किल, नॉट अ बिग डील, क्योंकि एक अच्छा पॉपुलर कॉइन है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने होल्ड किया हुआ है, वेल्स भी एक्यूमुलेट करती हैं बीएससी वेल्स, लेकिन जब बुल रन आता है ना तो सारी चीज़ें मिलके प्राइस को ऊपर लेके जाती हैं। तो बेबी डोज कॉइन की लिस्टिंग भी बाकी है, एनएफटी मेटावर्स को ऑलरेडी लेके आ चुका है, ठीक है। और धीरे धीरे जब इसका प्राइस अच्छा इंक्रीज हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे बाद में आपको अच्छे अच्छे यूज केसेस जो रोड मैप हैं 2023 के लिए, वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या प्राइस टारगेट टच कर सकता है नेक्स्ट बुलरन के अंदर बेबी डोज कॉइन, कमेंट करके जरूर बताना कि 0.4x01 वाला प्राइस हिट कर सकता है या नहीं कर सकता, या सिर्फ 1.0 किल करेगा, या 2 करेगा, या 4 करेगा, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताना। तो यही कुछ चीज़ें थी बेबी डोज कॉइन को लेके, काफ़ी अच्छा हम बुलरन देख सकते हैं बेबी डोज कॉइन में, जहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी बेबी डोज कॉइन को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। अगर आप बेबी डोज कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप रिसर्च कर लें बेबी डोज कॉइन पे, वो बेहद ज़रूरी होती है। और वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के लिंक हैं, वहाँ भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।